किशन चौधरी के द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की गई व वृक्षारोपण किया गया। सौंक के गांव नैनू कला स्थित प्राथमिक विद्यालय में जिला पंचायत अध्यक्ष किशन चौधरी ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की, जिसमें बच्चों को उनके अभिभावकों से ज्यादा संख्या में स्कूल भेजने व स्कूल आने के लिए प्रेरित किया। वहीं उसके बाद विद्यालय प्रांगण में पेड़ लगाए। इस मौके पर ग्राम प्रधान डॉक्टर देवेंद्र सिंह व गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ गोवर्धन स्थित श्री बाबूलाल महाविद्यालय में विद्यालय प्रबंधक नंद किशोर, एडवोकेट और विद्यालय स्टाफ सहित छात्रों ने पेड़ लगाकर वन विभाग महोत्सव की शुरुआत की। साथ ही प्रबंधक नंद किशोर एडवोकेट ने चैनल के माध्यम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए जागरूक किया। डीडी शर्मा, मथुरा, समाचार 24। जैसे आज वृक्षारोपण हुआ है तो आप इसको जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह, प्रधान नैनूपट्टी पंचायत। आज जिस तरीके से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के अंदर 6 विद्यालयों को बाल वन वृक्षारोपण के लिए चुना है, उसमें प्राथमिक विद्यालय नैनू भी है, और उसी के तहत जिला अध्यक्ष श्री किशन सिंह जी की अगुवाई में यहाँ प्राथमिक विद्यालय के अंदर वृक्षारोपण का कार्यक्रम बाल वन के तहत हुआ है, जिसमें खंड विकास अधिकारी भी उपस्थित थे। देखिए, मैं सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी द्वारा जो 35 करोड़ वृक्ष लगाने की जो योजना है 15 अगस्त तक, उसका यही संदेश है कि पूरे प्रदेश के अंदर सब लोग जनभागिता सहभागिता के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, जिससे भूमि निर्माण, भूमि सुधार और जो भी कह रहे हैं ना टेम्परेचर वृद्धि हुआ है उसको नियत कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर कहते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष रहेंगे तो स्वस्थ वातावरण रहेगा, और एक बिल्कुल प्रसिद्ध स्लोगन है, स्वस्थ रहेगा वातावरण तो एक तरीके से स्वस्थ शरीर रहेगा, स्वस्थ जीवन शैली रहेगी। तो आप सबको नैनूपट्टी पंचायत वासियों की तरफ से भी इस वृक्षारोपण के लिए शुभकामनाएं, और पूरे जिले के अंदर एक संदेश और पूरी नैनूपट्टी पंचायत बड़े लेवल पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग सहभागिता रख रही है। ये सब जन सहभागिता से हो पाया है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपके महाविद्यालय में आज इस प्रकार से वन महोत्सव के दौरान वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहना चाहोगे उसके लिए? ऐसा है, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए जो तक प्रयास किया है, उस समय श्री बाबूलाल महाविद्यालय भी अपनी एक सहभागिता देता है। हमने सब पूरे परिवार ने इकट्ठा होकर वृक्षारोपण किया है, और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस वन महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। जो भी सामाजिक संगठन है, हमारी संस्थान है, विद्यालय, स्कूल, सभी लोग वृक्षारोपण अवश्य करें, जिससे कि हमारा पर्यावरण संतुलित रह सके और हम एक स्वस्थ अपना जीवन यापन कर सकें, हमें स्वस्थ हवा भी मिल सके। मथुरा के गोवर्धन में लगने वाले मुड़िया पूनो मेले का निरीक्षण करने के लिए कमिश्नर